नमस्कार दोस्तों, आज के सत्र में निफ्टी 19,749 पे बंद हुआ। जोरदार तेज़ी का माहौल मार्केट में बरकरार है और मार्केट में एक ही चीज़ हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बाय बाय और बाय, केवल एक ही चीज़ हो रहा है। और बैंक निफ्टी 45,410 पे बंद हुआ, 38 पॉइंट गिरा है केवल बैंक निफ्टी। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें आया है, लेकिन निफ्टी में ज़ोरदार तेज़ी का माहौल जारी है और 20,000 का लेवल ये जुलाई सीरीज में ही पहुंचने की तैयारी निफ्टी कर रहा है। चूँकि आप देख सकते हैं 19,749 पे ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 20,000 की दूरी केवल 250 पॉइंट की है, जो एक या दो दिन में ही निफ्टी पूरा कर लेगी, ऐसा उम्मीद जताया जा सकता है। इन्फोसिस भी सपोर्ट कर रहा है, 3.67% बढ़ गया है, 1475 पे बंद हुआ। एशियन पेंट 1.53% बढ़ गया है, 3513 पे बंद हुआ। एशियल टेक्नोलॉजी 1.17% बढ़ गया है, 1167 पे बंद हुआ है। वहीं लूजर्स भी कुछ रहे जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट किए थे। HDFC लाइफ 1.51% गिरा है, 656 पे बंद हुआ है। L&T माइंडट्री जो है 5001 पे बंद हुआ है, 2.60% गिरा है। और ब्रिटेनिया में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, 1.54% गिरा है, 5064 पे बंद हुआ है। अमेरिकन मार्केट भी देखने में पूरा ग्रीन नज़र आ रहा है। डेक जो है 16125 पे ट्रेड हो रहा है, 56 पॉइंट ऊपर है। डॉ जोन्स भी ऊपर है, 367 पॉइंट बढ़ के 34952 पे ट्रेड हो रहा है। और नैसडेक भी ऊपर है, 41 पॉइंट बढ़ के 14286 पे ट्रेड हो रहा है। चारों तरफ अगर हरियाली है तो FIDI भी पीछे क्यों रहते। 73 करोड़ का FII ने बाइंग किया है, DI भी 64 करोड़ का बाइंग है, टोटल 137 करोड़ का बाइंग फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर से मिला के है। तो कुल मिला के मार्केट में केवल एक ही चीज़ हो रहा है, बाय बाय एंड बाय, खरीदो खरीदो खरीदो, कोई बेचने को मार्केट में अभी तैयार नहीं है। 20,000 का लेवल जल्द ही पहुंचने को है। अब ऐसे में क्या रणनीति बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट से। तो हमने निफ्टी का चार्ट ले लिया, हेलो कैंडल ले लिया और हम 30 मिनट का चार्ट में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी में किस तरह से पहले ऊपर में खुला, फिर नीचे आ गया और फिर नीचे आ गया। तो इसको बड़ा कर देते हैं, एक मिनट का चार्ट में देख लेते हैं। तो किस तरह से निफ्टी बंद, कहाँ पे खुला था, कहाँ पे बंद हुआ, देख सकते हैं। 12 बजे कहाँ पे था, मार्केट में पहले तो शुरुआती तेज़ी रही, फिर इस तरह से यहाँ देखिए आप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। एक समय मार्केट पूरा अप में था, 19,820 के आसपास था, और फिर लास्ट में फिर नीचे आया मार्केट में, नेगेटिव सेंटीमेंट में थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। कुल मिला के मार्केट लास्ट में 19,751 पे बंद किया। ऐसे में क्या रणनीति करते हैं मार्केट में, तीन सिनेरियो हो सकता है, जैसा कि प्रोबेबिलिटी पे हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, मार्केट 19,820 के आसपास ओपन हो जाए, जो आज का डे हाई है 19,820। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो आपको क्या करनी है, सिंपली पहला अगर 19,820 पे अगर ओपन होती है, तब बहुत सारे लोग जो कॉल ऑप्शन लेके चल रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना है, मार्केट नीचे आने का इंतज़ार करना है, आपको बाइंग नहीं करना है। जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी आपको बाइंग नहीं करना है, सबसे पहले आपको वेट करना है, और वेट करना है, इंतज़ार करना है मार्केट गिरने का। मार्केट फिर गिर के आज का जो क्लोजिंग है वहाँ तक आ सकती है, तो 19,751 तक आ सकती है। यहाँ पे आप कॉल पोजीशन इनिशिएट करना है, हर हाल में आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, लॉन्ग पोजीशन ही क्रिएट करना है। 19,751 जैसे आएगा यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का मौका मिलेगा, जो 19,800 के लेवल तक ले जाएगा।
अभी भी कॉल ऑप्शन डाटा को अगर पढ़ा जाए तो 20,000 के कॉल ऑप्शन डाटा पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और 19,600 के पुट ऑप्शन डाटा पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 19,600 के नीचे निफ्टी नहीं जाने को तैयार कर रहा है और 20,000 जाने की तैयारी भरसक करेगी, क्योंकि 20,000 है एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 20,000 की तैयारी भाई निफ्टी करेगी। तो ये हुआ पहला, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है गिरने का। अगर गिर जाती है 19,751 19,700 के आसपास आती है तब आपको कॉल ऑप्शन के पे बैठना है। 19,800 या 20,000 के कॉल ऑप्शन पे आप बैठ सकते हैं जहाँ पे एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये हुआ पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होगी कहाँ पे, आप देखिए कहाँ पे, 19,640 भी गया है तो कहाँ ओपन हो सकती है, गैप डाउन ओपन होगी तो 19,740 ज़्यादा से ज़्यादा एक गैप अप गैप, जो चांसेज बहुत कम है लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करते हैं कि 19,700 यहाँ पे इस लेवल पे अगर हम खुल जाते हैं, गैप डाउन खुल जाते हैं, तब आपको कुछ नहीं करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तब आप 19,800 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं और अगर रेड कैंडल बनती है तब फिर आप 19,600 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो है सपोर्ट लिया है बहुत अच्छा तेज़ी से तरीके से 19,700 के आसपास, और अगर यहाँ से इस फिसलती है तो आप जान सकते हैं कहाँ तक जाएगी, 19,600 का लेवल तक जाएगी। तो ये सिनेरियो भी हमें देखना है। अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो 19,800 का तैयारी करेगी, अगर रेड कैंडल बनाती है पहला 5 मिनट कैंडल 19,600 का तैयारी करने की कोशिश करेगी। तो ये हुआ गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। तीसरा जो प्रोबेबिलिटी है, 19,751 पे हम अगर गैप अब भी ना ओपन हो, गैप डाउन भी ओपन ना हो और फ्लैट ओपन हो जाए 19,751 पे, तो क्या करना है, पहला 5 मिनट कैंडल देखना है कि ग्रीन बनता है, अगर ग्रीन बनता है तो हम 19,800 का तैयारी करेंगे, 19,800 के कॉल ऑप्शन पे हम लेके बैठेंगे, अगर रेड बनता है तब हम 19,700 के यहाँ पे पुट ऑप्शन पे हम लेके बैठेंगे। तो आप तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस किया, गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है, और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है 19,751 पे तो क्या करनी है, ये तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी जैसा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, 45,000 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी जो है सर्वाइव कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, तो पॉजिटिव साइन यहाँ भी है। जब तक 45,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी में शॉर्ट का पोजीशन नहीं क्रिएट करना है, बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है तो इसे सोच समझ के ही जब ट्रेड करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी नुकसान दे सकती है। तो यहाँ पे खुशी की बात यह है कि ये 45,412 पे बंद हुई है, 45,000 के ऊपर बंद हुई है, आप देख सकते हैं किस बार दिन भर ट्रेड किया, ये यहाँ पे नीचे था फिर ऊपर गया, एक समय 46,000 के आसपास था, 45,880 46,000 जाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन डाटा को समझने की कोशिश करेंगे तो 45,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 45,000 पे सबसे ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब 45,000 एक सपोर्ट लेवल ले सकता है और ऊपर के लेवल पे 47,000 के में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तीन सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है और फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है। सबसे पहला सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर 45,412 पे हम अभी बंद हुए हैं और अगर डे हाई जो है हमारा 45,843 है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाती है तो क्या करना है, तब आपको पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, बाय तो बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि जब भी गैप अप ओपनिंग होगी तो बहुत सारे लोग जो
लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं वहाँ से काट के निकलेंगे तो मार्केट वहाँ से फिर नीचे आ जाएगी, इसलिए आपको नीचे आने की वेट करना है। ऊपर गैप अप होने पे आपको कुछ भी बाय नहीं करना है, नीचे आने का वेट करना है, फिर कॉल पोजीशन क्रिएट करना है, और कॉल पोजीशन क्रिएट करना है आपको 45,800 के लेवल के लिए। 45,800 के पुट के ऑप्शन पर आप बैठ सकते हैं। अगर नीचे गैप अप ओपनिंग होके नीचे आ जाती है, यानी आज का जो मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ आ जाती है 45,412 के आसपास, ये हुआ पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन करने का मतलब कहाँ है, गैप डाउन आपका है इस लेवल पे 45,302 और इससे भी नीचे 45,240। अगर यहाँ कहीं ओपन गैप अप ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है 45,200 या 45,240 के आसपास, तब आपको पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। अगर पहला 5 मिनट कैंडल ग्रीन बनता है तब फिर आप 45,700 45,800 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। अगर रेड बनता है तब फिर आप 45,000 के नीचे 45,000 या 44,800 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। ये हुआ गैप अप ओपनिंग होने पे और गैप डाउन ओपनिंग होने पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है 45,412 पे ही ओपन हो जाती है तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होने पे हम पहला 5 मिनट कैंडल देखेंगे, अगर वो रेड बनती है तब हम 45,200 के पुट ऑप्शन पे हम बैठेंगे जो हमें एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। फिर अगर गैप अप ओपनिंग हो गैप फ्लैट ओपन होती है और पहला 5 मिनट कैंडल ग्रीन बन जाती है तब हम 45,500 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे जो एक अच्छा खासा मुनाफा हमें दे सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, और फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।